السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطل كل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح بالتوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن الملقب بالحبيب والمثنى بأبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين المنتقبين المستندين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من صباحنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات محمد वो हजरात जो आप बाहर से अंदर तशरीफ ला रहे हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि जहां पर हैं वहीं तशरीफ रखें। जो हजरात काफिर से तशरीफ लाए हैं मैं उनसे शर्मिंदा हूं, लेकिन अब मजलिस आगाज हो रही है, ये मुनासिब नहीं है कि दौरान मजलिस आने दरख की वजह से कानून के जरिए में खलल पड़े। मैंने चाहा था कि ऐलानात की खिदमत मेरे सपोर्ट में की जाए, ये आया करीबा जिसे अनुमान करार देते हुए हम 9 दिन गुफ्तगू करते रहे, आज इस सिलसिले गुफ्तगू के आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे। एहसास हुआ कि वो लोग जो अल्लाह की यादगार निशानियों की ताज़ीम करते हैं उनका ये अमल उनके तक़वाए क़ुलूब की दलील है और उनके इस अमल से ये अमर जाहिर होता है कि वो साहिबान तकवा हैं, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ है और क्योंकि वो अपने माबूद का एहतराम करते हैं, अपने माबूद से डरते हैं, लिहाजा हर उस शय का एहतराम भी करते हैं जो अल्लाह की निशानी है, जो अल्लाह की अलामत है। तकवा के मबहस में आज की खिदमत में अर्ज किया जा चुका कि खौफ खुदा क्या है, अल्लाह की निशानियां भी आपके पेश नजर हैं, आप जानते हैं कि अल्लाह की यादगार अलामतें क्या हैं, अल्लाह की यादगार निशानियां क्या हैं। आज जब हम अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगुओं को मलहूज रखते हुए पश्चताम के बाद तक पहुंच रहे हैं तो हम पर लाजिम है कि हम एक नजर में एक हल्का सा मुतालिया करें माजी की तारीख और गुजरे हुए हालात पर एक निकलती हुई नजर डाल के अपने नतीजे की तरह तक पहुंच जाए। अल्लाह ने अपनी निशानियां, अपनी यादगारें, अपनी अलामतें दुनिया के सामने भेजी और वो अलामतें, वो यादगारें, वो निशानियां हर मखलूक के सामने पेश हुई और हर मखलूक में जिसको भी उबूदियत के लिए खल किया गया था और जिसको भी शऊर बंदगी अदा किया गया था
उस मखलूक ने उन निशानियों से कसरत हैस किया और उनकी अजमतों को सलाम किया, उनकी ताजीम की। मलकूतियत की सफ़े जब तख्लीक हो चुकी तो उसके बाद अल्लाह का नूर आजायन इलाही की निशानदेही करता हुआ शायर इलाहिया की शक्ल में जलवा सदन हुआ। मलाइका ने उनकी तस्वीर से तस्वीर सीखी, दरिश्तों ने उनकी तहरीर से तहरीर का दर्द लिया। मलकूतियत की परेशानियों को दर से सुदूर अता करने वाले यही हैं जो अल्लाह की यादगार निशानियां हैं। और उसके बाद नस्ल इंसानी का आगाज उस जमीन पर हुआ। सफ़ेद जमीन सादा था, दास्तान हयात इंसान लिखी नहीं गई थी, आदम अव्वल का हुजूद अर्ज वसी पर हुआ नहीं था, जिंदगी के सिलसिले आगे नहीं बढ़े थे। हयात मुनहसर थी, बुजुर्ग मलाइका में मखलूकात मौजूद थे। एक ऐसे मखलूक की जरूरत थी कि जो अशरफुल मखलूकात होता, जो अफजल मखलूकात होता, जो अकल की रोशनी भी रखता, कुव्वत इरादी भी रखता और अपनी कुव्वत इरादी को अल्लाह के हुक्म का पाबंद बना के मुती और फरमा बरदार बंदा बन जाता। इसलिए इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया गया कि बाशऊर मखलूक हो, बाफिक्र मखलूक हो, बासलाहियत मखलूक हो। मलक पर इंसान को फजीलत दी गई, इसलिए कि मलक को कुव्वत इरादी नहीं दी गई, मलक से हमारा नहीं दिया गया, बल्कि मलक पाबंद हुक्म खुदा है। जिसे सज्जे का हुक्म मिल गया, सदियां गुजर गई, उसके सज्जे का सर न उठाया। जिसे तस्वीर का हुक्म मिल गया, मुद्दतें गुजर गई, उसके तस्वीर का वजीफा तर्क न किया। जिसे रुकू खुदू की तालीम दे दी गई, वो अपने वजीफे से मुंह नहीं मोड़ता। और अगर किसी ने एक लम्हे के लिए भी बगावत करना चाहिए, किसी ने एक लम्हे के लिए भी खुदू खुदू में कोई फर्क डाला, तो फिर उसकी तरह उसको बेबानों पर कर दिया। मैं जिंदगी का किसी नहीं सकता, मैं इतना बदहवास नहीं हूँ कि मैं तारीख के दामन में मलक के नीचे हुए पर न देख सकूँ। इतना मुजमहल फिक्र नहीं रखता कि मैं ये न देख सकूँ कि वो खुदा जो मलाइका के साथ किसी किस्म का रहम नहीं बरतता, इसलिए कि उन्हें मलक से हमारा नहीं दिया। उसने इंसान को इतनी मेहनत की कि तू अपनी जिंदगी अपने इरादे के साथ गुजार ले। उसके बाद जब जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर मिट्टी जमा हुई और उस मिट्टी को गूंधा गया, आदम का पुतला बनाया गया, मलाइका से कहा गया इसको सज्जा करो, इसलिए कि ये हमारा नुमाइंदा बन के जा रहा है, जो बशरियत का आलमदार बन के जा रहा है, जो अकल का चराग लेके जा रहा है, जो फिक्र की रोशनी लेके जा रहा है, जो मंजिल इदराक लेके जा रहा है, जो इर्तिका की सरहदों से गुजरेगा, जो नामालूम का इल्म हासिल करेगा, जो दो बातों को मिला के तीसरी बात का नतीजा निकालेगा। इसका शऊर पाबंद मनसिफ है, इसकी जिंदगी फलसफों के हिसाब में घिरी हुई है। ये आदम है, ये इंसान है, ये बशर है, इसका दर्जा सबसे अफजल है। मलाइका ने सजदा किया, मलक के सुजूद के बाद हुजूर आदम अव्वल जमीन पर हुआ। आदम की नस्ल आगे बढ़ी और आदम की नस्ल जब आगे बढ़ी तो खानदान फैलने लगा, और फिर वही खानदान बढ़ते बढ़ते कबीला बन गया, कबीला बढ़ते बढ़ते अशीरा बन गया, अशीरा बढ़ते बढ़ते नस्लों का फर्क अपनाने लगा। आदम की नस्ल थी एक बात सब औलादे, किसी का रंग स्याह हो गया तो कोई सोला गया, तो किसी का रंग सफेद रहा, और रंगों की दीवारें सामने आ गई, नस्लों के फर्क सामने आ गए, मराकब का गुरूर गहनों में आने लगा, आबाए अव्वलों की दास्तानें छोड़ गई, खानदानों को खानदानों से अलग किया गया, नस्लों को नस्लों से अलग किया गया, कौमों को कौमों से अलग किया गया, करियों को करियों से अलग किया गया, कस्बों को कस्बों से अलग किया गया, शहरों को शहरों से अलग किया गया, मुल्कों को मुल्कों से अलग किया गया। इंसान ने अपने इख्तदार के लिए आदमियत के खानदान को बांट दिया, इंसान ने अपने इख्तदार के लिए कसरियत के घरौंदे बना दिए, इंसान ने अपने इख्तदार के लिए नस्लों में तलाफुर पैदा किया, ताकि जब तक ये नफरत नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, जब तक लड़ेंगे नहीं इनको किसी रहनुमा की जरूरत न होगी, जब तक इन्हें रहनुमा की जरूरत न होगी हमारी रोटी रोजी न चल सकेगी। वो जिसने आँख खोल के देखा कि मलाइका की सफ़ें उसके सामने सजदा रहे थे, वो जिसने आँख खोल के देखा कि मलकूतियत उसकी बारगाह अजमत में सजदा रहे थे, उसने जब आगाज सबर जिंदगी किया तो खून बहाने लगा, हक मारने लगा, दौलतें जमा करने लगा, दूसरों की जिंदगियां छीनने लगा, आदमी जब भूल गया कि वो क्या था, इंसान जब भूल गया कि उसका आगाज क्या था, बशर जब भूल गया कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या था, यही तुम भूल गए कि तुम्हें क्यों भेजा गया था इस दुनिया में। तुमने फिरका परस्ती इजाद की,
तुमने खानदानी तास्तबात पैदा किए, तुमने ये कहा कि तुम जियो दूसरा जिंदा न रहे, तुमने ये कहा कि तुम्हारा खानदान बढ़े दूसरा खानदान तरक्की न करने पाए, तुमने ये कहा कि तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े दूसरा मकतूल नस्ल हो जाए। अगर खुदा ने किसी मतलब के तहत किसी को देर से औलाद दी तो तुमने उसको मकबूल नकल करके बदनाम भी करना चाहा। तुम्हारा मिजाज बहुत कमजोरी का हामिल बन गया। तुम बने थे इंसान लेकिन हो गए शैतान। तुम्हें आदमी बना के भेजा गया था लेकिन तुमने अपनी नस्लों को खुद बर्बाद किया। तुमने अपनी इक्तदार की लड़ाई में अपने खानदान को दलील किया। तुमने हवस इक्तदार में अपने बुजुर्गों को बदनाम किया। देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बुजुर्गों में जौहरदार न गुजरे हो लेकिन तुम अपनी जिल्लत नफ्स के आगे खुद भी बदनाम हुए, बुजुर्गों के दामन को भी दागदार किया। इसलिए कि तुम चाहते थे कि तुम अकेले दुनिया में रहो, तुम चाहते थे कि तनखा तुम्हारी हुकूमत हो, तुम चाहते थे कि तनखा तुम्हारा इक्तदार हो, तुम चाहते थे कि जब तुम बोलो तो सब चुप हो जाए, तुम चाहते थे कि तुम जब सुनो तो अपनी तारीफ सुनो तनकीद न सुनो। तुमने हरेक की बुराई की, तुमने अपने से बड़ों तक को बुरा कहा और तुमने ये ना चाहा कि कोई तुम्हारी उस बुराई के सिलसिले को रोक सके। तुमने गइबतों को अपनाया, तुमने साजिशों को अपनाया, तुमने बगावतों को अपनाया, तुमने किस्त को अपनाया, तुमने झूठ को अपनाया, तुमने साजिश को अपनाया, तुमने धोखेबाजी को अपनाया। उसके बाद तुम आगे बढ़े, जिल्लतों ने तुम्हारे दामन थाम लिए, लानतें तुम्हारा तौर पर गरीबान बन गई, कदम कदम पर तनखूर की सजाएं कायम हो गई। जहां नजर उठी देखा एक लश्कर नजर आया, जिधर तारीख से वरक में उल्टा उधर खून का एक दरिया नजर आया, जहां इंसानों का मजमा देखा इख्तलाफ का एक मौजू नजर आया, जहां चार इंसानों को बैठे देखा झगड़ते ही देखा, किसी को दिल से दिल मिलाते नहीं देखा, किसी को नजर से नजर मिलाते नहीं देखा, किसी को गले से गले लगाते नहीं देखा। अब जरूरत थी कि रसमन ही सही, अखलाकन ही सही, शरण ही सही, तुम्हें करीब किया जाए। तुम बर्बाद होते गए और जब आदम के बाद से यूसुफ ने मरियम के बाद तक की तारीख देखी तो ये तारीख इंसानों की तारीख नहीं नजर आती, ये जाहिलियत की तारीख, ये दरिंदगी की तारीख, ये बहीमियत की तारीख, ये खून की तारीख, ये दौड़ते हुए घोड़ों की तारीख, ये चलती हुई तलवारों की तारीख, ये बरसते हुए लहू की तारीख, ये सनसनाते हुए तीरों की तारीख, ये लटकते हुए नेजों की तारीख, ये कड़कती हुई कमानों की तारीख, ये सफाद सीमाओं की तारीख, ये घरों को लूटने वाले लुटेरों की तारीख, ये डाका डालते हुए डाकुओं की तारीख, ये खून पीते हुए जानवरों की तारीख, ये कितनी भयानक थी आदमी की तारीख, कितना भयानक था इंसान। चलाइए जहनों का तमीज खत्म हो गई, जबानें बेलगाम हैं, हाथ बेकाबू हैं, हाथ उठा कत्ल कर दिया, जबान चली किसी को भी बुरा कह दिया, पालने वाले अब तू ही एक हथकड़ी भेज जो इन हाथों को रोके, तू ही एक लगाम भेज जो इन जबानों को रोके। तो वो हथकड़ी और उस लगाम का नाम है सीरत रसूल। शरीयत क्यों आई, पैगंबर क्यों आया, जन्नतुल मावा का मुताबिक क्यों आया, वो जो सबसे अफजल था वो इन रजीनों में क्यों भेजा गया, ताकि इनकी जन्नतों में इंकलाब बर्पा करे, ताकि इन्हें तफाकी और मुजाहिदे का दर्द समझाए, ताकि इन्हें जुल्म और आदर की तफरीक बताए, ताकि इन्हें इबादत और शरम परस्ती का दर्द समझाए। रसूल मर्तबत आए और रसूल ने आके दिलों को बदला, चेहरों को बदला, नजरियों को बदला। पहले तो दुनिया ने रसूल ही को बदलना चाहा, जब पैगंबर इस्लाम ने पैगाम इस्लाम शुरू किया तो बुजुर्गान ने कुरैश अबू तालिब के पास आए तो अपने भतीजे से कहो कि चुप हो जाए, हमारे खुदाओं को बुरा ना कहे, कबीले की फतीह तरीन बेटी हम रिश्वतन दे देंगे, कबीले की सारी दौलत हम रिश्वतन दे देंगे। दौलत और हुक्म को रिसालत के लबों के लिए मोहर बनाने की सही नाकाम की गई और कोशिश ये हुई कि रसूल इस्लाम खामोश हो जाए। तो रसूल ने जवाब दिया, मेरे हाथ पर सूरज रख दो, दूसरे हाथ पर चांद रख दो, तो मुझे कहना है वही कहता रहूंगा, मैं अपनी बात से नहीं फिरूंगा, मैं अपने कौल से मुनहरिफ रहूंगा। और रसूल ने लगाने के शान बेनियाजी से कहा कि आवाज कुदरत आई, क्या सूरज भी तुम्हारा ताबे, अब चांद भी तुम्हारा ताबे, तुम्हारा भाई इशारा करे तो सूरज पलट आए, तुम इशारा करो तो चांद हो जाए, तुम्हारी बेटी दरवाजे पर सतारा जवाबाई करे, अंग्रेजे तुम्हारे हाथों में आके तस्वीर पढ़े, इशारे पर दरख सबकी जगह छोड़ते, जब पाए तो बोल उठे तो पत्थर बोल उठे, अब सारा इख्तदार तुम्हारा, सारा इख्तियार तुम्हारा। और रसूल
مکے کی گلیوں سے مدینہ تک، مدینہ سے بیاسی خزرات اسلامی تک، صلح حدیبیہ تک، اور رسول اسلام تبلیغ فرماتے رہے، ناقد تنقید فرماتے رہے، معترض اعتراض فرماتے رہے، دونوں کام میں تاج چلتے رہے. عزیزو آج میں تاریخ کو نچوڑوں گا اور تاریخ کا لہو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. میں جانتا ہوں چند مزاجوں پر ناگوار ہوگا. مجھے معلوم ہے کہ آج خاص طور سے اہتمام کیا گیا ہے کہ سی آئی ڈی آئی ہے، ٹیپ ریکارڈر لگے ہیں، مجھے سب خبر ہے. لیکن مجھے دائرے سے باہر نہیں، پھر کوئی بات آئین ملک کا غداری نہیں. میں لوگوں کو اپنے ملک کی وفاداری کے خلاف نہیں اٹھا رہا ہوں، میں لوگوں کو فرقہ پرستی کے خلاف دعوت دے رہا ہوں کہ تفریح مٹاؤ، ہوتا ان کی بارگاہ میں آؤ، نوٹ کرو، ریکارڈ کرو، بیٹھ کے سوچنا. اگر اردو سمجھ میں نہ آئے تو آنا، میں ایکسپلین کروں گا کہ میں نے کہا. رسول انسانوں کو انسان بنانے آیا تھا، جانوروں نے رسول کا راستہ روکا. رسول آدمی کو آدمی بنانے آیا تھا، درندوں نے رسول کا راستہ روکا. اگر کسی کی خطا یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی کو آدمی بنانا چاہتا ہے، تو ماذا اللہ میرا رسول کی خطا وار تھا. آج دنیا کی قوموں کے سامنے سیرت رسول کی صحیح تصویر نہیں ہے. مولوی وقت کی آواز پر جب سیرت سنانے بیٹھتا ہے تو سورت کی تعریف کر کے ٹل جاتا ہے، کیونکہ سیرت کے حکیم جو تھے علماء کے کردار کی کمزوریوں کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں. اور موضوع سیرت رسول اٹھاؤ، زندگی غربا پروری میں گزری، نتیجہ جیسی دولت مند بیوی ملی تو ختیجا کی دولت لٹانے کے بعد اسلام کی تبلیغ شروع کی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سکھوں کے سہارے دین محمد چلا. تلواریں توڑی ہیں رسول نے، تلواروں کو دھار نہیں دی ہے رسول نے، نیزوں کو بیکار بنایا ہے رسول نے، نیزوں کی انیاں چمکائی نہیں ہے رسول نے، ظلم کو ختم کیا ہے رسول نے، فوجوں کی تشکیل نہیں کی ہے رسول نے. اور رسول کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ رسول آدمی کو آدمی بنانے آ رہا تھا. تو اگر ہم مسلمان رسول کے ماننے والے ہیں تو ہمیں تلواریں بنانا نہیں چاہیے، ہمیں توڑنا چاہیے. ہمیں مکے سے آپ زمزم لانا چاہیے ہے، ایئر گن نہیں لانا چاہیے. رسول نے اسلحہ کو ختم کیا. آج کی دنیا کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ سب جنگیں چل رہی ہیں، مختلف ملک اپنا تابع بنانے کے لیے اسلحہ کی رشوتیں دے رہے ہیں. آج زندگی کا سکون ختم ہو گیا. فلاں ملک نے فلاں ملک کو اتنے پیٹنٹ ٹائم دے دیے، فلاں ملک نے فلاں ملک کو اتنی مشین گنے دے دی. انسان پریشان ہے کہ اگر تیسری جنگ عظیم شروع تو انسانیت کا مستقبل تاریخ ہے. چلو آج تک پڑھے لکھے دور میں آج کے سارے رہنما مل کے اپنے ہاتھ کی لعنت کو ختم نہ کر سکے، اور اس وقت سکون نے عرب کے قبائل کی سرندہ زندگی کو فتنا پر سکون بنایا، جو مسافر راتوں کو سفر کرنے لگے، قزاقوں کا ڈر ختم ہو گیا. آج کے مہذب انسان سے آج کے پڑھے لکھے لیڈر اسلحہ نہ چھین سکے، اور رسول عرب نے درندہ سبت عربوں کے اسلحہ چھین لیے. کتنا بڑا کریڈٹ ہے ہمارے رہنما کا جو اس نے اس دور تاریخی اور جہالت میں انجام دیا. وہ عمل آج کی پڑھی لکھی دنیا سے ممکن نہیں، جبکہ اخبار بھی ہے، ریڈیو بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے، پروپیگنڈے کے وسائل بھی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے ذرائع بھی ہیں. فرق یہ ہے کہ آج کے رہنماؤں نے دنیا بدلی ہے، ہمارے نبی نے دل بدلے تھے. ضرورت ہے دل بدلنے کی. انسان بنایا، آدمی بنایا، عبادت سکھائی، اطاعت سکھائی، اور جب انسان بنا چکے تو جب کوئی اچھی عمارت بناتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ عمارت اس کے بعد بھی آباد رہے. رسول نے دلوں کے نہاخانوں میں کعبے بنائے تھے، تو رسول چاہتے تھے یہ کعبے دل آباد رہے. کون نہیں چاہے گا کہ وہ اس دنیا سے جائے تو وارث چھوڑ کے جائے، کہ جب وقت تو لا وارثی کی موت پسند آئے گی. رسول کی یہ غلطی یہ بھی ہے کہ رسول نے غدیر کے میدان میں کارواں کو روک کے اعلان خلافت بلا فصل علی کیا. یہی ہے اختلاف کا پوائنٹ. لکھو تاریخ اسلام دو حصوں میں بٹی. آج ہمیں شیعہ کہا جاتا ہے اور ہم شیعہ ہیں، لیکن شیعوں میں اور دوسرے اسلامی فرقوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ سنو میرے بچوں، تم بھی یاد رکھنا، میرے بھائی کو تم بھی یاد رکھنا. شیعہ اسے کہتے ہیں
جو قانون قدرت کو ناقابل تغیر سمجھے اور جو قانون قدرت میں وقت کے ساتھ ترمیم کو مناسب سمجھے وہ غیر سیاح ہے. یہ ہے بنیادی بات. میرا اشارہ اس طرف نہیں ہے جس طرف ذہن جا رہے ہیں. ہماری شریعت میں اتنی الاسٹسٹی ہے, ہماری شریعت میں اتنی گنجائش ہے کہ ڈاکٹر ماحول کے ساتھ سمجھوتا کر سکے. اس لیے کہ شریعت ایک حصار ہے. انسان حصار کو پھلان کے نکلنا چاہتا ہے. جتنا تم آگے بڑھو گے اتنا ہی دیواریں اور آگے بڑھ کے تمہیں گھیر لیں گی. شریعت تمہیں جانے نہیں دے گی کہیں. اس لیے اتحاد کے دروازے بند نہیں ہوئے. دل میں آل محمد پر جمود نہیں تاری ہے. دل میں آل محمد پر جمود نہیں تاری ہے. اور رسول کی خطا یہ تھی کہ رسول نے غدیر کے تپتے ہوئے ریگستان میں روکا تھا قلعے کو. سن لیجیے, کل میں نے جو کچھ کہا ہے آج اس پر سواد بنا رہا ہوں. سنیے, غدیر کے میدان میں فیصلہ روکا, اعلان کیا من کن تم مولا ہوتا ہاتھ عالی کے مولا, جس کا میں مولا اس کے عالی مولا, جس کا میں نبی اس کے عالی امام. تو میرا دوست وہ ان کا دوست. اس کے بعد دعا مانگی اللہم انصر من نصر ہوں باپ دول من خدا لہوں. اس کی مدد کرنا میرے معبود جو علی کی مدد کرے, اسے دلیل کرنا جو ان کی ذلت کا کہاں ہو. دعا کی رسول نے, ان لوگوں نے مبارکباد دی. مبارکباد کے بعد قافلہ آگے بڑھ گیا. یہ سنجارا ہجری کا واقعہ ہے. اور رسول مدینے آئے, بخار کے مرض میں مبتلا ہوئے. آخری وقت آیا اور رسول کے نگہبان بہت سے ہیں اور رسول کی نگرانی کرنے والے بہت سے ہیں. اور رسول چاہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں. ضرورت ہے کہ اس محاذ پر ایک لشکر بھیجا جائے. اسامہ کو رسول نے سپہ سالار بنایا اس لیے کہ آخری وقت علی کے ساتھ نہیں چاہتے کہ ساتھ چھوٹے علی کا. جب اسامہ کے لشکر میں جانے کو کہا تو لوگوں نے کہا اسامہ کنیز کے بیٹے ہیں, غلام کے بیٹے ہیں. ہم آزادوں کی اولاد ہیں, ہم غلام زادے کی اطاعت قبول نہ کریں گے. یعنی رسول کے دل کو صاف پہنچا, میں نے غلامی کا فرق مٹائے ہیں. تم ابھی تک نسل پرستی کے غرور میں مبتلا ہو. یہ صحیح ہے کہ تمہارا باپ آزاد تھا مگر ماں کے نام اعمال بھی تو دیکھو. رسول آئے مسجد میں, رسول آئے مسجد میں. تاریخ اسلام کا غیر اختلافی واقعہ علماء اہل سنت نے لکھا, علماء شیعہ نے لکھا, عیسائیوں نے لکھا, یہودیوں نے لکھا. تاریخ کہتی ہے کہ ممبر پر بیٹھ کے کہا کہ تمہارا فرض ہے کہ اسامہ کے لشکر میں جاؤ. اس لوگوں نے کہا حضور ہم نہیں جائیں گے. اور رسول نے کہا لان اللہ ہو مان تخلفا عن جیش اسامہ. خدایا اس پر لعنت کا جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے. سن گیارہ ہجری میں اور ربیع الاول کے مہینے کے آغاز میں, صبر کے مہینے کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں, اور رسول اسلام نے ممبر پر بیٹھ کے کہا کہ جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے اس پر لعنت. آج محرم سن 1394 ہجری میں علی ناصر سعید نے ناظم صاحب کے امام باڑے کے ممبر پر بیٹھ کے کہا کہ قاتلہ نے ہوتا ہی پنانا. تاریخ سے اس کو ہٹاؤ, میں اپنے لفظ واپس لے لوں گا. میں کچھ نہیں جانتا, میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. سیرت رسول پڑھی آئے. اگر آج کے مسلمان کی نظر میں سیرت رسول پر چلنا غلطی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں. تو پھر مجھے اجازت دے دو کہ میں نسیری ہو جاؤں. مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے کہ رسول کچھ کہے امت کچھ کہے. مجھے ایسا اسلام نہیں درکار ہے کہ جہاں عوام اور رہنما کے درمیان کہیں تفریقوں کے پردے پڑے ہوئے ہوں. اور رسول گھر میں آئے, آ کے لیٹے. مرض الموت تھا. ملک الموت دروازے پر آیا. سیدہ نے اجازت دی. 28 صفر سن 11 ہجری تاریخ ہے وفات رسول. رسول اس دنیا سے چلے گئے. جنازے کو علی نے غسل دیا, علی نے کفن پہنایا, علی نے دفن کیا. اب آج میں شیعوں کو بھی خفا کروں گا. آپ حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں. آپ کو متاثر بنا دیا گیا ہے. آپ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ اصحاب رسول جنازے رسول میں نہیں آئے. حالانکہ آپ کا یہ اعتراض بالکل بیجا ہے. یہ آپ کی ناسمجھی ہے.
आपके उलमा आपको हकीकत बता चुके हैं, मगर आप नतीजा गलत निकालते हैं। आपने पता किया तो जनाजे में नहीं आए, मुनासिब था उनका ये अमल। आप एक जाहिल उम्मती है तो आप तक कोई ये बात मालूम है जब मासूम के जनाजे को या गैर मासूम हुक्म दे सकता है, या गैर मासूम कफन बना सकता है, या गैर मासूम कफन कर सकता है। जो तुम जाहिल उम्मती इसका जानते हो, जो रसूल के साथ बरसों के रहने वाले का ये नहीं जानते थे कि अगर जनाजे में गए भी तो दूर से तमाशा देखेंगे, गुस्ल अली देंगे, कफन अली पहनाएंगे, कफन अली करेंगे। सब जानते थे कि नबी मासूम, अली मासूम। किसी सहाबी की इतनी हिम्मत कहाँ थी कि माज अल्लाह जनाजे रसूल को हाथ लगा सकता। आपको तो एतराज करना है, माफ कीजिएगा, आपका मिजाज बना दिया गया साहब पर एतराज करना। ये तो कहिए आपको न जाने क्यों रहम आ जाता है मालिक के स्तर पर, ये तो कहिए न जाने क्यों आप अबू ज़र और सलमान को छोड़ देते हैं, और न आपका मिजाज एंटी असाब बना दिया गया। ये बात मेरे लिए तकलीफ जो है, असाब का अमल मुनासिब था, मरतबा रसूल का एतराज था, इरफान अली भी था, इरफान रसूल भी था। खिलाफत के अमूल की बात अलग है कि अगर बुजुर्ग को मुंतखब किया गया उनकी बुजुर्गी की बिना पर, तो वो मसलहत वक्त थी, मसलहत दानों का मजमा था, वक्त के तकाजों को समझने वाले मुतब्बिर और दानिश्वर लोग मौजूद थे। लेकिन यह था रसूल का साथी मामला, खिलाफत जो चाहे करे लेकिन रसूल के जनाजे को गुस्ल हरेक नहीं दे सकता। खिलाफत रसूल का जनाजा नहीं है, रसूल का जनाजा खिलाफत नहीं है, अलग अलग है। अली ने दिया कफन, अली ने पहनाया, और उसके बाद रसूल को, रसूल की कब्र भाग के अली चले आए, तो जमाना अली के मुखालिफ जरूरत है कुरान की बात निकली। आज मैंने कहा है तारीख का लहू निचोड़ूंगा, जरूरत है कुरान की बात निकली। अली ने दोस्त पापा न डालने की कसम खाई, कुरान जमा करके घर से निकले, लोगों ने कहा अली तुम्हारा वाला कुरान कबूल नहीं। अली चंदे के कुरान पे काम चला लेंगे, तुम्हारा कुरान नहीं दरकार है। अली ने तुम्हें अपने कुरान को लेकर घर में आके बैठ गए, कम से कम मालिक अस्तर और सलमान को तो दे ही सकते थे वो कुरान जो खुद मुरत्तब किया था। आज दो कुरान होते, एक सिया कुरान, कार्य था कि रसूल अल्लाह पर तस्वीर करते थे, खलीफा अव्वल तस्वीर लाए तो उन्होंने एहतराम रसूल ने वो वीना छोड़कर दूसरे वीना पर बैठना पसंद फरमाया। खलीफा दोगम का दौर आया तो उन्होंने रसूल और खलीफा अव्वल के एहतराम में तीसरा वीना मुंतखब किया। तदरीजी तनज्जुल होता रहा, लोगों को उम्मीद ये थी कि अली साहब मेंबर के नीचे बैठेंगे या पहलू मेंबर में रुक जाएंगे, लेकिन वाकई में दूसरे रसूल जानता है कि रसूल की जगह पर मेरा बैठना भी अदबी नहीं है। जो मोहरे नबूवत का कदम रख सकता है वो रसूल की जगह पर भी बैठ सकता है। अली अस्सलाम मेंबर पर आके बैठे, बैठ कर खुतबा जारी किया, उन लोगों ने सुना, अली उतर के इबादत में मशगूल हो गए, अली इबादत करते रहे, उन लोग अपनी जगह पर मुतमईन हो गए। अली का दौर गुजरता रहा, जहाँ तक मस्जिद सूफा में अली को इस जुर्म में शहीद कर दिया गया कि अली सिर्फ सीरत रसूल और कुरान पर अमल कर रहे हैं। समीर में कोई लोच नजर नहीं आता, अली के किरदार में कोई कमजोरी नजर नहीं आती, अली की शख्सियत में कोई कमी नजर नहीं आती। जगह के जहनों को आज एक बोझल गुफ्तगू है, लेकिन नतीजे की मंजिल पर आप दौड़ जाएंगे। अली के बाद वो फरीजा फसल का जबरद हुआ, फसल ने कारावान हिदायत मुफत दस्तर खान के साथ संभाला,
खिलाते भी हैं बताते भी हैं, अब जो न माने वो नमक हराम। जो इख्तलाफ जारी रहा, अमीर शाम से इमाम हसन के इख्तलाफात खुलते गए, जंग की सोहबत आते आते सुलह का वक्त आ गया। अमीर शाम से सुलह हुई, सुलह लाने के शरायत पे सबसे अहम शर्त ये थी कि अमीर शाम अपने बाद तख्त ताज का वारिस किसी को नामजद नहीं करेंगे। इमाम हसन इस दुनिया से गुजर गए, जहर शाम से भेजा गया था। आज तारीख में यह साबित है, मौलाना मौदूदी जैसे आलिम ने भी एतराज किया कि ताज़ से शहादत इमाम हसन में शाम की हुकूमत का हाथ था। इमाम हसन शाम से आने वाले जहर के जरिए शहीद किए गए। इमाम हसन शहीद हुए, फरीदा इमाम हुसैन का सपोर्ट हुआ। अभी इमाम हसन की शहादत तो ज्यादा ऐसा नहीं गुजरा था कि अमीर शाम का आखिरी वक्त आया। आखिरी वक्त नजा के हंगाम अमीर शाम सुलह लाने के शरायत भूल गए। अमीर शाम सुलह लाने के शरायत भूल गए। यजीद को नामजद कर दिया अपनी जानकारी में। यजीद ने हुसैन अपने अली से मुतालिबा बैत किया। यजीद ने हुसैन अपने अली से मुतालिबा बैत किया। उससे सोच रहा था कि यजीद यह बताना चाहता था कि तुम्हारे बड़े भाई से उसके बाद की जो सुलह हुई थी वो खत्म हो चुकी। यजीद सुलहनामे के शरायत की खिलाफवर्जी करते हुए खलीफतुल मुस्लिमीन बना दिया गया। इतने वक्त उसे अमीरुल मोमिनीन भी कहने लगे। यजीद ने हुसैन अपने अली से बैत तलब की। हुसैन ने बैत से इनकार किया। यजीद ने मुबारक की दावत दी। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। तारीख करबला तक मैं आ गया। आगाज़े आदमियत से तारीख करबला तक आया हूँ। तो जो तुम का मकसद मेरा बजट उससे सोच रही है कि कल की बातों से जो गलत फहमी मुसलमानों के जहनों में पैदा हुई है उस गलत फहमी को दूर करें मुसलमान, और तारीख को मिजाज तारीख के मुताबिक देखें। हुसैन अपनी अली करबला में आए। यजीद अपने घर से नहीं निकला। मुजिर यजीद से तीन में देख चुका है कि वो मालिक अस्कर थे जो सवान ऐसे से लौट आए थे और बाद का खेमा बच गया था। यहाँ बात आ रहे हैं, अगर पहुंच जाऊंगा तो जिंदा वापस आना करबला तो मुश्किल है। मुजिर यजीद हुसैन के मुकाबले पर नहीं आया। हुसैन अपने बुजुर्गों की तारीख लेके आए। यजीद अपनी खबाकतों की दास्तान लेके आया। हुसैन आदम से हसन तक की नबूवतों और इमामतों के वारिस थे। तो यजीद शैतान से बहुत दूर तक की खबाकतों का जिम्मेदार था। मैं बच बच के और बचा बचा के अपनी बात कह रहा हूँ, ये जानता हूँ कि नहीं भी कहूंगा तो समझदार समझ जाएंगे। यजीद खबाकतें लेके आया। हुसैन हसनतें लेके आए। यजीद शैतान के शायर में से एक था। हुसैन शायरुल्लाह में से एक थे। यजीद शैतान की निशानी, हुसैन आदम की निशानी। यजीद सिफर नूह की बगावतों का जिम्मेदार, हुसैन तीनों के जज्बा नजात के वारिस। यजीद नमरूद के सोनों का जिम्मेदार, हुसैन कुल्लत इब्राहिम के बादशाह। यजीद अपनी खबाकतों को व्यवसाय फराइना मिस्र समझता है। हुसैन अपनी तहारतों को हैबत मूसा का सिलसिला समझते हैं। यजीद गद्दार अस्हाब ईसा का जिम्मेदार, हुसैन तहारत ईसा के जिम्मेदार। यजीद अबू सुफयान का पोता, हुसैन मोहम्मद अरबी का नवासा। यहाँ मोहम्मद का लहू, वहाँ अबू सुफयान की खबाकतों का खून। दोनों लहू जज्जा हुए, दोनों खून मिल गए और उसके बाद तारीख मुरतब होने लगी, तारीख तरतीब होने लगी। हुसैन अपने अली ने उन्हें चुना जिनकी माए पाक थी। यजीद ने उन्हें चुना जिनकी माओ के किरदार खराब थे। बात आज तमहीद गैर मामूली तौर पर पुरानी हो गई। मैं अपने मुंतजर मजमे से अदब के साथ माफी चाहता हूँ जिनके नसब सही थे। यजीद ने उन्हें चुना जिनके नसब गलत थे। हुसैन ने उन्हें चुना जिनकी माओ ने नामों के चेहरे नहीं देखे थे। बताए इंसानों को मुंतखब किया और जाकर उस तहजीब में मेंबर माने हैं। यजीद का मिजाज, खुदा की कसम सुन लीजिए, यजीद का मिजाज
خودی سے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. حسین کا لباس امت کے پاس ہے. یعنی حسین کا ہے طہارت سیدہ. یعنی مضروب چہرے مرکب حسین باب مدینہ العلم کا جوہر. یعنی شان کے گھروں کا پرورتا حسین چراغ قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے والا. یعنی اپنے جیسوں کو جمع کر کے لایا حسین اپنے جیسوں کو جمع کر کے لائے. یہ اور بات کہ یعنی جیسے لاکھوں تھے اور حسین جیسے کل 72 تھے. مجمع نہ دیکھو اکثریتیں نہ دیکھو کردار دیکھو نسب دیکھو. بد نظری آسان ہے نکاح کی پابندیاں مشکل ہیں. تو ہر دور میں حسین ہی کم ہوں گے. کردار اچھے کم ہوتے ہیں برے زیادہ ہوتے ہیں. آج جب حسین کی اعضاء کی سب دکھتی ہے تو ہم صاحب کے برق الگ ہو جاتے ہیں. کچھ تازیاں اٹھا کے گھر سے نکلتے ہیں اس جو کہتے ہیں تازیاں نہ دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا. چاہیے تو ان علماء کرام سے پوچھو مسلمانوں اب تم برا نہ ماننا مولوی مولوی کی بات چل کر. ہم بھی مولوی فتوا دینے والا بھی مولوی. جو بچ لینے دو چاہے امت سے مطلب نہیں. گزارش ہے ہم نے آج کا فتوا دیکھا جب تازیا پر نظر پڑے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مولانا تازیا گھروں میں دفن نہیں ہوتا بازاروں سے گزر کے کربلاؤں میں جاتا ہے. کیا آج کے ذمہ داری لیتے ہیں کیا آج کے والد مرحوم نے کبھی تازیا نہیں دیکھا تھا. مولانا کیا آج کے ذمہ داری لے سکتے ہیں کیا آپ کے دادا جان نے کبھی تازیا نہیں دیکھا تھا. اب سنیے دادا نے تازیا دیکھا نکاح ٹوٹ گیا باپ پیدا ہوئے. باپ نے تازیا دیکھا نکاح ٹوٹا چار دادے پیدا ہوئے جو نکاح ٹوٹے تو وہ قلم چلا جو ہوتا ہے ان کے خلاف دکھتا ہے. قلم پیدا ہوتا ہے جو حسین کے خلاف لکھے. اس کے لیے ہے جو بات ہوتی ہے کہہ رہی ہے سمجھی جاتی ہے دوہری کہیں. میں کیا کروں جب میں نے تو ایک ہی بات کہی پانی صاف پہ گیا نشے سے چھلک اٹھتے. یہی تو ہے کہ جب صحابہ حسین برتا ہے تو نہ جانے کتنے نشے بھرتے ہیں. اس بات کو جانے دیجیے اس قصے کو ختم کر دیجیے. ہم مولوی گئے کیسے کریں گے امت کو سنانا نہیں ہے جاہلوں کو علماء کے خلاف اکسانا نہیں ہے. مانتے ہیں تو حد سے زیادہ. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب سے مسلمان اپنے مولوی سے خفا ہو گیا اس کو غضب ہے تو بچے سمجھ جانے کی دیر ہے کہ مولانا دھوکا دے رہے ہیں. حق کے طور ہے یہ سمجھو گے اب تمہارے یہاں تعلیم بڑھنے جیسے تعلیم کا ریشیو بڑھتا جائے گا تمہاری نئی نسلیں سمجھدار. مجھے نوجوان ملت اسلامیہ کے شعور سے امید ہے تو وہ نتیجہ آپ کرنے میں غلطی نہیں کرے گی. عزیز آنے محترم حسین ابن علی کی قربانی نے جب بتا دیا کہ طہارتیں ایک طرف لگا سکتے ہیں ایک طرف اتنا حسین نے دلیل کیا جدید کو کیا نام جدید داخلہ اسلام ہو گیا. ہم کردہ نے جدید کی بھی ہمت نہیں ہے کہ جدید کا نام رکھے اور ہم جب سب آزاد اٹھاتے ہیں جب جلوس لے کے نکلتے ہیں تو حسین کا حسین کرتے ہیں اور یہی ہمیں کہنا بھی
नजाफतों की जान का नाम है चंबदारी यदि जाओ बन जाओ जिन लगे तुम्हारा इंतजार कर रहे जाओ जदीद कैसे क्योंकि खड़क पुकार रही है जाओ जदीद की रोटी आवाज दे रही है जाओ हक नमक जदीद अदा करो हुसैन के रोने के अलावा कुछ नहीं है यहाँ दुनियादारों की गुंजाइश नहीं झूठ बोलोगे तो निकाल दिए जाओगे यहाँ झूठ बोलोगे अरे हमने का कोई गलती करता है तो कान पकड़ के निकाल देते हैं क्योंकि दूसरा गलती करने वाले को क्या बर्दाश्त करेंगे हुसैन इब्ने अली सदाकत मांगता है हुसैन इब्ने अली तहारत मांगता है माओ के किरदार पूछो अगर माओ के किरदार पास होंगे तो दिल खींचेंगे हुसैन के नाम की तरह आज बाज लोग ये कह देते हैं कि हम क्या करें हम तो जिक्र हुसैन सुनना चाहते हैं लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त बातें हो जाती हैं हमें गाली दी जाती है खुदा की कसम अगर किसी की जात को गाली दी हो तो लफ्ज़ वापस हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अगर किसी की जात को मैंने गाली दी हो तो गालियां बकना मेरा सेवा नहीं अगर मैं गालियां दूंगा भी तो हर एक रास्ता चलते को नहीं अपना मैार भी रखता हूँ इतना गिरूंगा नहीं इतना गिरूंगा नहीं अब ऐसा भी गया गुजरा नहीं हूँ कि मुझे तारीख में कोई बड़ा आदमी न नजर आए गाली देने के लिए और ना तारीख में सब मासूम ही है कि किसी का किरदार ऐसा नजर न आए कि जो बयान हो गाली देने के इस बात को छोड़ दीजिए आइंदा के लिए मैंने किसी से गाली नहीं दी मेरा मकसद किसी की दिलादारी नहीं था मैंने कातलाने हुसैन पर लानत की है मैं कातलाने हुसैन पर लानत करता हूँ मैं कातलाने हुसैन पर लानत करूंगा और उस मुल्क में जब तक राजूराम गोडसे बुरा कहा जाता रहेगा महात्मा गांधी का कातिल जब तक हुसैन का कातिल यकीन जिस दिन कोई बुजुर्ग आके हिंदुस्तानियों से गोडसे पर लानत का हक भी लेंगे उस दिन हम भी जदीद को मालूम नहीं सुन लो फिर कह रहा हूँ मैंने उम्र साथ पर लानत की थी ये तो गलत है मैंने उम्र साथ को कहा था उम्र साथ का सरदारे लग गए अभी बिल्कुल अगर तारीफ के हुल्लड़ में तुमको जाओ समझे हो खुदा की कसम मेरा मकसद सिर्फ उमर इब्ने साथ था मेरा मकसद कोई और नहीं था और मैंने सुरबुद्दी को कहा और कहता हूँ सिमर को कहा सुना ने अपने अनस को कहा होली को कहा सुरमुला को कहा तुमसे क्या मतलब और तुमसे मतलब हो भी तो तुम पे ताल्लुक चलो इसलिए कि तुम्हारे लिए रसूल का नवासा ज्यादा असर है अपने अजीजों को समझो Thank you.